कोविड के बाद स्कूलों में लौटे बच्चे परेशान हैं। वो पुरानी पढ़ाई जैसे भूल गए हैं। दो साल जो ऑनलाइन पढ़ाई चली उसके लिए कई बच्चों के पास मोबाइल फोन नहीं था, तो कोविड के दौरान गरीब बच्चों की पढ़ाई पर ज्यादा मार पड़ी। कोविड के जैसे मेरी पढ़ाई पे बहुत गंदा असर पड़ा। हमारे घर में एक ही फोन था, हम तीन बहन भाई थे और एक बड़ा वाला था जिसकी ज्यादा पढ़ाई होती थी, जिससे हमारी पढ़ाई छूट गई। तीसरी से पांचवी तक के बच्चों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। ये पहली और दूसरी में थे जब कोविड की वजह से घर बैठना पड़ा। स्कूल खुला तो सीधे दो क्लास आगे पहुंच गए, लेकिन स्तर इनका पहली दूसरी क्लास का ही रह गया। बहुत दिक्कत आई है, शब्दों को समझने में है ना बहुत दिक्कत होती है, जैसे मात्रा में है ना बहुत दिक्कत होती है। मैं इंग्लिश में है ना हम याद करते हैं पर दोबारा सुना नहीं पाते हैं, थोड़ा थोड़ा मिसिंग हो जाता है, कुछ ना कुछ मिसिंग हो जाती है। हिंदी में क्या दिक्कत आती है? हिंदी में मात्रा रे इनकी दिक्कत आती है। मैं इंग्लिश पढ़ना भूल गई। बिल्कुल ही पहले बोल सकते थे इंग्लिश कुछ कुछ? पहले थोड़ा थोड़ा आता था मुझे, पर बिल्कुल नहीं आता। अभी बिल्कुल नहीं आता है? एबीसीडी याद है? एबीसीडी याद है लेकिन पढ़ नहीं सक रहे हो? अध्यापक कहते हैं कि दो साल स्कूल से बाहर रहे बच्चों का ध्यान अब ज्यादा भटकता है, उनको अनुशासन में रखना मुश्किल हो रहा है। एज के अकॉर्डिंग इनको कवर करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये बच्चे इनका दिमाग डाइवर्ट हो गया है और दो सालों में ये शैतानियां करना ज्यादा सीख गए, खेलना ज्यादा सीख गए, तो ये पढ़ने में कम इंटरेस्ट लेते हैं। क्लास में जब हम इनको पढ़ाते हैं तो हम जो चीज इनको पढ़ाना चाहते हैं ना वो इनसे पीछे छूट गई है और उसको हम कवर कर नहीं पा रहे हैं। इनके साथ भी वही मेहनत कर रहे हैं और फर्स्ट और सेकंड और थर्ड क्लास के बच्चों के साथ भी वही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चे कवर नहीं कर रहे हैं और वो कवर कर रहे हैं। बड़े बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत गणित में आ रही है। कई बच्चे पहाड़ा भूल गए हैं और इससे गुना और भाग करना मुश्किल हो जाता है। मैम गुणा भाग मतलब पहाड़े आने चाहिए उसके लिए परफेक्ट तरीके से, पहाड़े तो आते नहीं भूल गए क्योंकि दो साल में कुछ पढ़ाई नहीं की ना। माँ बाप ने कभी फोन दिया कि बोलते कि तुम छोटे नहीं हो, वो छोटे हो भी फोन क्या करोगे, इसलिए किताब से तो पढ़ नहीं सकते अकेले, इतना बड़ा बड़ा आता है। उसमें दिक्कत आई बस, गुणा मतलब गणित में दिक्कत आती है और सब में तो सही आता है बस। अध्यापक कहते हैं कि ASER की रिपोर्ट के अनुसार सरकार को भी कदम उठाने चाहिए, बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास देकर उनकी पढ़ाई सुधारनी होगी। जो बच्चों को पहाड़े पहले जब 40 तक के आते थे, आज उन बच्चों को 10 तक के पहाड़े आ रहे हैं। जोड़ बाकी गुणा बाकी बात करेंगे तो उनको जो डिवीजन है भाग के जो सवालत है या गुणा के सवालत है वो भी वो भूल गए हैं। ऐसे में ये जो एनुअल रिपोर्ट है इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार को चाहिए इसको रिकवर करे, चाहे वो ब्रिज कोर्सेज कराए या फिर एक्स्ट्रा कोई क्लासेज जो है जैसे समर वेकेशन है या जो विंटर वेकेशन है इसके अंदर एक्स्ट्रा क्लासेज लगा करके उस जो कमी रह गई है इसकी भरपाई की जा सके। दो साल कोविड के बाद जब बच्चा स्कूल आया है वो डिसिप्लिन से हट गया है, और डिसिप्लिन का मतलब है कि वो अटेंशन ध्यान नहीं दे पाता है, फोकस नहीं कर पाता है, और वापस उसको स्कूल के डिसिप्लिन माहौल में घड़ना अब टीचर्स के लिए चुनौती है। लेकिन यंग माइंड्स है, छोटे बच्चे हैं, सीखने को उत्सुक है, तो लगता है जल्द ही ये सब मेकअप करके आगे बढ़ पाएंगे। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया।